मेरे भाइयों, यदि उंगली एक होगी तो कोई भी उसको तोड़ देगा, ये ऐसे तोड़ देगा, लेकिन जब ये सारी उंगली इकट्ठी हो जाती है तो ये पूरा मुक्का बन जाता है और बड़े बड़ों की हवा टाइट कर देता है। तो आज जरूरत है हर नौजवान भाई, हर किसान भाई, हर माताएं बहने जो किसान के खेत की रोटी खाते हैं, वो सभी एकजुट हो जाएं। सामूहिक नेतृत्व चल रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। यहाँ पे नौजवान किसान नेता भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, सबके मार्गदर्शन में, सबकी एकजुटता में ये बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। हर एक व्यक्ति का यह महत्व है, हर एक नेता का यह महत्व है, उनकी जरूरत है। तो सभी नेता, नौजवान नेता, बुजुर्ग नेता, किसान नेता, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, नारी शक्ति, सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आए और इस आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत करें। और अंत में मैं एक विशेष विनती करना चाहता हूँ अपने हरियाणा के भाइयों को। मेरे भाइयों, आपको मालूम है जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है, 14 तारीख को, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जानी है, उसके लिए जगह जगह कार्यक्रम होंगे। सभी धरनों पे हमारे धरनों की कमान उस दिन हमारे दलित भाइयों के हाथ में रहेगी, संचालन भी उनके हाथ में रहेगा, अध्यक्षता भी उनकी होगी, अधिकतर वक्ता भी उनके होंगे। कई जगह तो लंगरों की कमान भी दलित भाइयों के हाथ में हरियाणा में दे दी गई है। तो जो ये किसान मजदूर भाईचारा बन रहा है, जो ये दलित अधिक से अधिक संख्या में हमारे आंदोलन में जुड़ रहे हैं, इससे बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रखा है। बीजेपी वाले बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ये किसान और मजदूर यदि एक हो गया तो किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी हैसियत नहीं रहेगी कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सके या हमारे खिलाफ कुछ नीतियां बना सके। इसीलिए ये राजनीतिक पार्टियां हमारी एकता से डरी हुई है। बीजेपी जेजेपी ने यह ऐलान किया है कि 14 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों जगह पे वो भी अंबेडकर साहब की जयंती मनाएंगे। और जबकि दूसरा एक पहलू ये है कि हमारे मोर्चे ने बहुत पहले से ये बोल रखा है कि हरियाणा में, पंजाब में, कहीं और भी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी या इनकी सहयोगी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब 14 तारीख को ये अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है, तो भाइयों, बीजेपी और जेजेपी ने एक साजिश रची है हरियाणा में। और वो साजिश ये है कि यदि हम 14 तारीख को इनके किसी कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो ये हमारे किसानों और मजदूरों की एकता को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये दुष्प्रचार करेंगे कि देखो भाई, ये किसान भाई अंबेडकर साहब की जयंती को नहीं मनाने दे रहे हैं। तो बीजेपी की ये साजिश सफल ना हो पाए, हमारी एकता अधिक से अधिक मजबूत बनी रहे और किसान और मजदूर और भी अधिक एकजुट होते जाए, इसीलिए परसों मोर्चा की बहुत लंबी बैठक चली थी और कल उसकी घोषणा भी हुई, उसके नतीजों की, उसके फैसलों की। और उसमें यह तय किया गया कि 14 तारीख को अंबेडकर साहब की जयंती में जो भी कोई कार्यक्रम होगा, कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति भी यदि कोई अंबेडकर जयंती को मनाएगा तो उसको मनाने दिया जाए, उसका हमारे कोई भी किसान भाई, हमारे मजदूर भाई विरोध नहीं करेंगे। हमें दिल के साथ साथ अपने दिमाग से भी काम लेना है। और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आदेश दिया है कि भाई 14 तारीख को कोई भी अंबेडकर जयंती मनाएगा तो उसका हमें बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। एक कार्यक्रम है हरियाणा में कैथल वाला, वो पहले से ही तय हो रखा है, तो वहां पे तो किसान प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे 14 तारीख को, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी अंबेडकर जयंती मनाए जाने का कोई भी विरोध नहीं करना है। चाहे वो अंबेडकर जयंती बीजेपी या जेजेपी के नेता मनाए, हमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं करना है। हमें अपने किसानों और मजदूरों की एकता का पूर्ण संदेश देना है। और जो कैथल में भी विरोध होगा, उसके लिए भी मोर्चे ने सख्त गाइडलाइन जारी करी है। वो गाइडलाइन है, वहां पे विरोध सिर्फ नारों और झंडों तक सीमित रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे विशेष विनती है, जो भाई, जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो माताएं बहनें ये चाहते हैं कि हम ये आंदोलन जीते, हमारा आंदोलन अधिक से अधिक मजबूत हो, तो जो 14 तारीख के बारे में विशेष गाइडलाइन दी गई है मोर्चे द्वारा, इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और 14 तारीख को यदि बीजेपी जेजेपी वाले भी कहीं अंबेडकर जयंती मना रहे हैं तो उसका विरोध हमें नहीं करना है और किसान मजदूर एकता का संदेश देना है। जय जवान, जय किसान। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।